हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चूरों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए हमको मैदा चाहिए। मैदा आप कितना भी ले सकते हैं, 2 स्पून 3 स्पून अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने शक्कर लिया है, ये मैंने शक्कर का पाउडर बनाया था। इसके लिए हम शक्कर लेंगे, इसके लिए थोड़ा बटर लेंगे हम, तो इसके लिए वाटर लेंगे। चलो गैस ऑन कर लेते हैं। दोस्तों तवा गर्म हो गया है, इसमें हम पानी डाल लेंगे। चलो हम इसमें बटर डाल लेते हैं। चलो इसमें शक्कर डाल लेते हो, मैं इतना डाल रही हूँ। आप लोग कम ज्यादा जितना शक्कर खाते हो उतना डाल सकते हो। चलो इसको थोड़ा हिला लेते हैं, बटर और शक्कर थोड़ा गल जाएगा। मेरा तो पाउडर ही बनाया है तो ये जल्दी गल जाएगा। आप लोग साबुत शक्कर भी डाल सकते हो। चलो हम मैदा डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल लेते हैं, मिक्स करते रहेंगे। दोस्तों ये अच्छा सा पक गया है, आप लोग देख सकते हो ये आटे के जैसा बन गया है। इसको हम अब बनाएंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं इसको। चलो मैं इसको प्लेट में रख देती हूँ। ये मैंने प्लेट में रख दिया है, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसको। चलो हम फ्राई करने के लिए तेल डाल देते हैं इसमें। चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक इसको मैं बना देती हूँ, इसको मैं तब तक बना देती हूँ जब तक तेल गर्म हो रहा है। चलो इसको बना लेंगे अच्छी तरह से जब तक तेल मेरा गर्म हो जाता है। ऐसा डालना है, इसको हम ढक्कन लगा देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसका ढक्कन लगा देंगे, फिर आप लोगों को बताती हूँ। इसमें उंगली फंसाना है, इसमें ऐसा उंगली फंसाना है, दो उंगली आगे एक पीछे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ, आपको बना के दिखाती हूँ। चलो इसको चाकू से कट कर लेते हैं। इसी तरह मैं सब बना लूंगी। इसको भी इसी तरह कट कर लेंगे। चलो इसको भी हम इसी तरह बना लेंगे सभी। इसको भी कट कर लेते हैं। चलो मैंने ये बना लिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलो इसको हम डाल लेते हैं एक एक करके। इस तरह से हम सब डाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है तो हम अच्छी तरह से सब डाल देंगे इसी तरह। चलो थोड़ा इसको पकने देंगे। चलो मैं इसको पलट देती हूँ, चेक कर लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। चलो दोस्तों ये हो गए हैं, क्रिस्पी बन गए हैं। चलो हम इसको निकाल देते हैं।
तेल अच्छा सा निकल गया है। चलो हम इसको प्लेट में डाल लेते हैं। सभी मैंने निकाल दिए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये बन चुके हैं। मैंने सब निकाल दिए हैं। इसमें मैं थोड़ा चूना मुना डाल दूंगी। अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा चूना मुना डाल देंगे। थोड़ा सा मैं शक्कर भी डाल देती हूँ। चलो इसको थोड़ा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चलो इसको प्लेट में सजा देते हैं अच्छी तरह से। अच्छा सा किस भी बने हैं। आप लोग देख सकते हो अच्छा बने हैं, कितने किस भी बना है, बहुत अच्छा बना है। आप लोग देख सकते हो, ले लो दोस्तों, आप लोग भी खा लो। आप मेरी फैमिली हो, आप लोग खा लो, टेस्ट कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा। आप लोग भी इसी तरह बनाना। मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आपके आपको जल्दी जल्दी भूख लगी है, कभी भूख लगी है, खाना बनने में टाइम लगा तो इजी से आप लोग खा सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करना दोस्तों, और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।